हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है और कैल्क में देखिए काउंटिफ एक फंक्शन है जिसका आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लाइक कोई जरूरी नहीं कि आप फेल और पास ही निकालने के लिए यूज करें इसको, इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें ये पता करना है, ये देख सकते हैं ठीक है, हमें ये पता करना है कि कौन सा नाम रिपीट हुआ है ठीक है और कितनी बार आया है, जैसे जितनी बार ठीक है। तो यहां पर हम इज इक्वल टू काउंट इफ लगाते हैं, तो ये देखिए ये लगाया हमने काउंट और फिर लगाया इफ, काउंट इफ लगा दिया ठीक है। और यहां पर इसको सेलेक्ट कर लिया इस रेंज को ठीक है, और यहां पर रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहां पर कॉमा देंगे और यहां पर हम क्या करते हैं डबल एटेड कोट्स में दे देते हैं एस यू जे, ये लिख दिया और इसको बंद कर दिया और यहां पे प्रेस कर दिया एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे 3 आया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3? 3 का मींस ये है कि यहां पे 3 बार ये नाम रिपीट हुआ है। तो देखिए ना यहां पर पहली बार ये हो गया ठीक है, ये दूसरी बार हो गया और ये तीसरी बार हो गया, यानी कुल मिलाकर कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ। अगर किसी और का निकालना चाहते हैं तो आप फिर यहां लगा लीजिए सी ओ यू एन टी आई एफ काउंट इफ ठीक है, और काउंट इफ लगाने के बाद इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कीजिए और जिस भी नाम को आप चाहते हैं कि पता करना कि कितनी बार रिपीट हुआ है उसको डबल डॉट कोट्स में यही लिख दीजिए ना, तो लिख दीजिए आर ए एम ठीक है, और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहां पे राम जो है 2 बार रिपीट हुआ है, देख सकते हैं ठीक है। फिर यहां पे देखिए इज इक्वल टू काउंट इफ लगा रहा हूं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। देखिए इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया ये रेंज ठीक है, कॉमा देते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, नेम देने के बजाय सेल एड्रेस सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर राम के बजाय रमेश कर देते हैं, तो ये सेल एड्रेस सेलेक्ट किया हमने। अब देखिएगा हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट किया है, हमने नाम नहीं सेलेक्ट किया, हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट किया, तो यहां पे ये 0 देगा आंसर। तो यहां पर ये चीज ध्यान देनी है ठीक है।